वेलकम बैक विद अनदर रेसिपी। आज हम लोग बनाएंगे बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी पकौड़े। तो ये चार तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हैं, तो आइए चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उसमें डालेंगे बेसन। जो बेसन बहुत ही ज़रूरी है पकौड़े के लिए। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप चना दाल भी पीस सकते हैं, ठीक है। उसमें फटाफट से अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, थोड़ा सा नमक और डालेंगे हींग। हींग के बाद डालेंगे अजवाइन। अजवाइन आपके स्टमक हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। डालेंगे थोड़ा सा जिंजर क्रश किया हुआ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस लाता है पकौड़े के अंदर और सबको थिक बैटर के फॉर्म में रेडी कर लेंगे। अच्छे से इसे चलाएंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना बचे। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर मैं चम्मच को उसके अंदर डुबाऊं तो चम्मच अच्छे से कोट होकर के निकले, ठीक है। तो पहले तरीके का मैं बनाऊंगी आलू के चिप्स वाला। तो पतले पतले स्लाइसेस में आलू को कट कर लेना है और उसको बेसन में कोट करके गर्मा गर्म तेल में फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। ये हमारा पकौड़ा नंबर वन। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, अंदर से जब आलू का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो फटाफट से इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है थोड़ा सा ब्राउन होने तक और इसे निकाल करके अलग कर लेना है। अब हम लोग बनाएंगे दूसरे तरीके का पकौड़ा, मिर्च का पकौड़ा। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। इसको मिर्च को उसी बेसन के बैटर में कोट करके आप फटाफट फ्राई कर दीजिए। और हाँ, मेक श्योर आप मिर्च को कोट करने से पहले उसमें थोड़ा सा कट लगा लें, नहीं तो वो फटता है तेल में जाके, तो तेल उड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा तेल के छींटे पड़ जाते हैं। इसीलिए आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ले करके इसे बनाइए। इसमें थोड़ा सा कट लगा दीजिए, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा कट लगा दीजिए और उसको फिर कोट कर दीजिए। ये हमारा सेकंड नंबर वाला बन चुका है। अब बारी है थर्ड नंबर वाले की, ठीक है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसन रख लिया था अलग से, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। अब इसमें चाहिए पुदीना, मिंट लीफ, फ्रेश फ्रेश मिंट लीफ मैंने घर ही से तोड़ा है। और उसमें मिला देना है कटा हुआ प्याज। ये पुदीना वाला पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिए। ये बहुत ही न्यू फ्लेवर है। तेल गरम हो चुका है और ये भी बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाएगा। फटाफट से इसमें डालना स्टार्ट कीजिए। इसको अच्छे से पलट पलट करके फ्राई कर लेना है। ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है स्पेशली। बारिश के मौसम में चाय और इस तरीके के पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मज़े का ब्राउन हो चुका है ये। अब इसे अलग कर देंगे तेल से, इसे फर्दर टिश्यू पेपर में आप रखिए। और हम लोग इसमें फोर्थ तरीके का बनाएंगे आलू प्याज पकौड़ा। इसको आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है और प्याज डाल देना है उसमें। और जो हम लोगों ने बचा हुआ बेसन अलग से रखा था वो इसमें डाल देना है। अलग इसलिए किया था क्योंकि उसमें सब में पुदीना मिक्स हो जाता है, इसीलिए हमने थोड़ा सा अलग कर लिया बैटर। फिर अगर आपको लगे कि आपको आपका बेसन घट रहा है तो आप ऊपर से थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा और बेसन ऐड कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे और फटाफट से उसे तेल में छोड़ देंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आलू जब फ्राई होकर के आता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। फटाफट से इसको फ्राई कर लेना है। देखिए मेक श्योर आपका जो फ्लेम है वो मीडियम रहे, ठीक है। हाई रखिएगा तो अंदर से कच्चा हो जाएगा और बाहर से बिल्कुल जल जाएगा या डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो आप मीडियम रखिएगा तो अच्छे से अंदर अंदर ये सारा अच्छे से पकेगा। फ्राई करने के बाद ये चार तरह के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स 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 फॉर वॉचिंग।